शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से नमन कर बाबा से प्रार्थना कर लो। हे शंभु, हे त्रिकालक्षी, हे कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, जीवन की सारी तकलीफें दूर कर तेरे चरणों की भक्ति प्रदान कर। शिव तत्व शंभु, गंधर्व हों, असुर हों, देव हों, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे तुम देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देव अधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो गणदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो गए। राजा परीक्षित को इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण। और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ, मार्गदर्शन बताने वाला वो घड़दानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय। जो इस कथा को सुन लेता, शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है, वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो, तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया, बताओ जी जी
आप भी मंदिर जाती हो, अगर कोई मंदिर में नहीं जाओ, कहीं शादी में चली गई, बुलावे में चली गई, महिला संगीत में चली गई, किसी के यहाँ कोई फंक्शन में चली गई, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में चली गई, और कोई तुमको अपने दुख का दुखड़ा रोएगा तो तुम क्या बताओगी? ईमानदारी से बोलो, यही बोलोगी ना? शंकर जी के मंदिर जाती हो, एक लोटा जल चढ़ाती हो, वो सीवर वाला महाराज कथा करता है सुनती हो, थोड़ा शिव महापुराण को सुनती हो, अपन क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्योंकि अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपन कोई तंत्र विद्या वाले भी नहीं है, ना अपने को मंत्र आते हैं, ना अपने को तंत्र आते हैं, ना अपन कोई अघोरी है, ना कोई बाबा है कि अपने पास में कोई विद्या हो तो अपन किसी को दे दो। यहां तो केवल एक है, बोल बम का नारा है, यहां तो केवल एक है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो, कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ा। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा गुरुजी ने आज बताया है सात बेलपत्र का महत्व। सुना था ना कल आप लोगों ने, गुरुजी ने बताया है सात बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को सात बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना, कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत मत। एक भी उपाय अगर आप शिव पुराण का कोई उपाय करते हो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि देगा कि नहीं देगा, नहीं शब्द लाओ मती। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मुझे बाबा देगा कि? एक माने पत्र लिखा, देख मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, पत्नी का नाम सुमन शुक्ला है, बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं प्रदीप जी शुक्ला, पत्नी सुमन जी शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश, आती हैं, श्री शिवाय नमस्तु, मैं से हाथ हिला दूंगा, श्री शिवाय नमस्तु। पहले मैं कुशीनगर में रहती थी गुरुदेव, कथा की जो यजमान है पूनम दीदी, ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये महात्मा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका दिया। और गुरुजी एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे बिहार में आप कभी नहीं आए। मैं पूनम दीदी को इसलिए धन्यवाद देने चाहती हूँ कि पूर्वांचल का बिहार जितना है उन सबको आपने शिव महापुराण की कथा इस उत्तर प्रदेश की धरा पर सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा। पहले हम बहुत भटक लिए जिंदगी में, परंतु दुख समाप्त नहीं हुए। इतना तकलीफ था जीवन में, इतना तकलीफ था जीवन में कि हमारे दुख समाप्त ही नहीं हो रहे थे। परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कार्य नहीं, बड़े परेशान। तब हमारे एक रिश्तेदार ने, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा सीवर वाला महाराज कथा कहता है आस्था चैनल पर, कभी एक बजे आती है, कभी दो बजे आती है, उस कथा को सुनो। उन्होंने कहा कि आसन लगाकर कथा सुना करो, टीवी के सामने भी सुनो शिव महापुराण की कथा, तो आसन लगा लिया करो, पलंग पर बैठी हो तो पलंग पर लगा लो, सोफे पर बैठी हो सोफे पर लगा लो। हमने कुर्सी पर आसन लगाकर कथा सुनी बाबा। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल में इतना बल होता है कि जो मांगो वो मिल जाएगा। हम तो ज्ञानी हैं, दुनिया में भटक लिए और दुनिया में भटके पर उसका फल नहीं मिला जो मेरे बाबा, 6 साल से हम लगे हुए थे कि बाबा कोई फल देगा, कोई फल देगा, पर हमने सब दूर माथा रगड़ा, कहीं नहीं मिला। तब आपके, हमारी त्रिपाठी बहन जी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका एक बार नहीं हुआ,
हम कई बार पत्रिका दिखाया है, अंगूठी पहना दी, ज्योतिषी को दिखाया, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में बच्चा भी हताश हो गया, हम लोग भी हताश हो गए, तब कथा ने हमको बल दिया और कथा ने बल देकर हमको ये बता दिया कि एक शहद लगाकर बेलपत्र शिव को चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूर्ण करो तो जरूर उसका फल मिलता है। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से जो 6 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा PNB बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बाबा अब देखो शिव की कृपा कैसी होती है। बाबा मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्री को चिपकाकर मेहनत कर ये फल पा लिया और PNB बैंक में कैशियर के पद पर हो गया। फिर मेरे बेटे ने फिर वापिस एक बार परीक्षा दी 2024 में SSC CGL की परीक्षा। बाबा की कृपा से मेरा बेटा फिर उसमें उत्तीर्ण हो गया और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, ऑडिटर के पद पर हैदराबाद में सरकारी नियुक्ति पर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव गुरुदेव ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। शिव शिव शंकर बैठिए, बहने के बाद हाथ हिला तो बधाई आपको बहुत बहुत बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये सहज नहीं, सहज एक विश्वास को जागृत करिए, विश्वास। उसने लिखा हमें ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए, सब भटक लो, खूब भटक लो, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है, ट्रेन में सफर करा है सबने, ठीक है। ट्रेन के बोगी में डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो पूरे डब्बे में पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है, 12 नंबर की मेरी सीट है, 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के खा। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे? कोई तुमको उठाएगा? कोई तुमको भगाएगा? तुम 10 जगह जाओगे? नहीं। ये उसी तरह है
जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे, उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खाली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देव अधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देव अधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं रगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हम, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। हम जान लिया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहां से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूं, हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं, शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी, लोग कहते हैं आपने कई बार कथा में कहा जो पंडाल में बैठकर अगर एक दिन की भी कथा कोई सुनता है बाबा उसको दिल से देता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा क्या मम्मी ऐसा होता है, वो सीवर वाला महाराज तो अपनी व्यास पीठ पे बैठकर बोलता है, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलता होगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता होगा, क्या ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बाबा सुन ले। मैंने मेरी बेटी से कहा तू क्या चाचा, क्या मैं कथा नहीं सुनूं? सुनो, पर मुझे ये पता करना है कि पंडाल में बैठकर सुनने से क्या भगवान सुनता है, ऐसा होता है? लोग भीड़ इकट्ठा करने की सोचते हैं तो ये सीओर वाला भी भीड़ इकट्ठा करने की सोचता होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा ऐसा नहीं, तो मां मुझे बीटेक इंजीनियर बने हुए समय हो गया पर मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा, अगर कथा सुनने से जॉब लग जाता है तो मैं भी मान जाऊंगी। तब हम बेटी के साथ वाराणसी की कथा में पहुंच गए, वाराणसी की कथा में दो दिन शामिल हुए, कथा श्रवण करी, जैसे ही कथा सुनकर हम पहुंचे इतने में मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया, और बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आया
जो मेरी बेटी ने जिंदगी भर से नहीं सोचा होगा कि क्या मेरा पैकेज इतना लंबा होगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश है गुरुदेव कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल ये है कि आज मेरी बेटी 28 लाख के पैकेज पर काम कर रही है और बाबा की कृपा है। साथ ये शिव तत्व यो घड़ी है शंभु है ये त्रिकालदर्शी ये कैलाश है। आप इतनी संख्या में आए, लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा और जो जोन चल रहे हैं उनसे भी कहूंगा, दिखाना धूप में लोग बैठे थे, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, बाहर जहां जगह मिल गई वहां बैठे हुए हैं, जगह रही रत्ती भर जगह नहीं पूरे पंडालों में, कहीं पर पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं। लोग चढ़ चढ़कर गाड़ियों पर, दुकानों में, रोडों पर, बाउंड्रियों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठे। कहीं पर जगह नहीं, फिर भी एक विश्वास के साथ आप लोग बैठे, एक भरोसे के साथ आप लोग बैठे। विश्वास है आपको? जम के बोलो जी, है ना? जितने बैठे हो सबको भरोसा है ना? तो ये हमारा भी भरोसा कहता है, जो तुमने बैठकर मांगा है 3 महीने में, 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिखकर भेजा था, एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि एक लोटा जल से कुछ हो सकता है, मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी, तो मैंने भगवान शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला, और उस बेटी ने शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा ट्रेन में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हारी सीट नहीं है, संसार में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला, शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर एक लोटा जल लेकर राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे, कहीं कहीं। किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से, पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ फूफा, मामा काका, काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न हो? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा, इसके सिवाय
शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि, मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच अच्छे विचार जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं, वो जर्खिन पहनती उड़ी, वो उड़ी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जीप लगी रहती है, चेन, बोलो चेन लगी होती है, जम के तो बोलो लगी होती है, चेन में एक इतना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जीप कहते हैं, ठीक है, उसको पकड़ो, उसका काम क्या है, वो जीप का क्या काम होता है, जीप का क्या काम, वो जो ये दो भाग है उसको जम के बोलो जरा जोड़। अब तुम रोज जर्किन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो, अरे भाई इस जर्खिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जर्खिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते, हमारी जीव से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीव दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जर्किन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीव हमारी जिभ्या, एक जिभ्या परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए जिभ्या को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कई बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कई बिगड़े, राम नाम बोल थारो कई बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कई बिगड़े। ये शिव तत्व, ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है हमें, परमात्मा को जोड़ना है, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। जुड़े पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोग बड़ा विचित्र लोग, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोग, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोग है मृत्यु लोग, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि होए सभ्यता और संस्कृति की दयनीय, देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटि कौटि को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे,
और आप और हम, अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, माँ छिपरा के तट पर जन्म, माँ सीवन के तट पर जन्म, ये कोई साधारण है क्या? कहाँ जाना? कहाँ? बिल्कुल करीब में, एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं बोले तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना गंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे, पानी की बॉटल गंगा जी की ले लो 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे, वो चुंदड़ी कंकू बेचने में लगे रहे, और जो नहाने आया था डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया, और ये 5-5, 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठा कर ले गए, पुण्य उठा कर ले गए, दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भर भर लेकर चले। हम सोचते ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ढेर आए होंगे, और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं, और गंगा नहा के तर तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगा। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी, अपने भाग्य से। यीशु महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है, कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा, यदि एक दिन की यीशु महापुराण की कथा, वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए, तो पहली फुर्सत निकालना और गोते में लगाकर आना, डुबकी लगाकर, क्या संकोच नहीं, जाना पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवदी देव महादेव से पार्वती जी कर रही है, कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्मा जी, कमलाक्ष की, इनके प्राण कैसे छूटेंगे? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे, एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड,
व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ाने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, अब शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोग में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता, बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे। ये कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितते जितते ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ, जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करो, निवास। प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर कलेक्टर प्रिंसिपल जो तुम्हें बनना है बनो, तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना, दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना, व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहो। अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने व्यवहार को मत बदलो, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने नेचर को मत बदलो, जो नेचर है वैसा रखो, जैसा व्यवहार है वैसा रखो, तुम्हारा मन पड़े वैसा रहिए, अपने व्यवहार में रहो। हम हमारे सीहोर में महादेव की होली होती है, आप लोग आए हो कभी? जैसे तुम्हारे ब्रज में होली होती है, ऐसी हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, होली जलने के दूसरे दिन तो धुरणी होती है, उसके दूसरे दिन, मतलब जैसे आज होली जली है तो कल हमारे यहाँ महादेव की होली नहीं होगी, परसों ऐसा होता है, मतलब एक दिन बीच में छूटता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों को सबके अपने अपने परिचितों के यहाँ जाना पड़ता है, कहीं कोई गमी में जा रहा है, कोई होली खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ महादेव की होली होगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं, एक ही दिन करते हैं वहां बस एक, तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं पूरी होली में, आपके साथ में गुलाल खेलने के, हम भी साथ साथ तुम्हारे साथ साथ चल चल, क्योंकि हम पांच महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं, पंच महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है पांच महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेलकर पंच महादेव के साथ जो रंग खेला, वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम पंच महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, अगर छुट्टी मिल जाए तो मैं होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व, सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए, शिव तत्व, अहम से अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है,
मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई कहे मैं बाल्टी बांटी, कोई कहे मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मैंने पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली डाली, मैंने गुजिया पकड़िया ऐसा मनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शौर्य क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से, हम अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है, मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है। हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है, अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं, घबराना नहीं, और अनंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु न पड़ेगा। शिव तत्व के प्राप्त उसकी प्राप्ति का केंद्र में जो शंकर मंदिर जाता है वो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है वो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है वो शिव का ही हो जाता है, जो दुकानों पर जो बैठे हैं दोनों हाथों से, ये संभोग की कथा है।
थे। पाता है जो शंकर मंदिर
महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करें। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आप और हम कहें। आज विराम दिवस की कथा है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोलो और 10-15 मिनट की कथा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है बार बार ये मौका तुम्हारे कुशी नगर में नहीं आएगा। जहां मिल जाए जगह वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और बाद में ये जरूर बोलना कि बाबा मेरे दुख को काटा। एक दुख नहीं बताना क्योंकि दुख ढेर है संसार। अविरल भक्ति प्राप्त करने का एक केंद्र बनाए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करते हुए शिव बाबा को अपना पिता मानकर कहिए, बाबा मेरे सारे दुखों को काटना, आपकी भक्ति देना, विश्वास देना, दृढ़ता देना, बल देना, जिससे मैं अपने नेक कर्म को कर सकूं। शिव तत्व कह रहा बाबा की कथा था। तारकासुर के तीन बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका संहार शिवजी पशुओं के पति बनकर नाथ बनकर पशुपति नाथ बनकर उसका संहार हुआ। पशुपति नाथ बनकर जिन्होंने तारकासुर के तीन बेटों को मारा और पशुपति व्रत का वर्णन कई लोग कहते हैं गुरुजी ने ये सीवर वाले मिश्रा जी ने ये पशुपति व्रत नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए।
संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। कहां सीओर वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई कि तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना, नेक कर्म करने में एक लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा ही मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना, कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना, कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं। प्रसाद बनकर जाता है, प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढक कर। उसी थाली में प्रसाद बनाकर ले जाते हैं, 6 दिए लेकर जाते हैं घी के, बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से कर 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं है। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छीटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबेरे कर दिया अभिषेक, शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छीटा दे दिया उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबेरे पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबेरे कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके, चंदन अक्षत फूल बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली जनेऊ जो है चढ़ाओ, और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने अभी जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, वो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा, बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? वो तो गुड़ बाजार से बना बनाया, शक्कर बनी बनाई, तुमने भगवान के लिए क्या?
इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जा, भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बनाना भगवान लेकर जाओ। पांचवा व्रत जब रहे, पांचवे नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो, एक स्वाद चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर कर बाबा को समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्ते हम बोलकर एक स्वाद दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे पांच व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भात आराम से ग्रहण करो, अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता, वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत, इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना, प्यास पीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी क्लिपिंग दिखाकर खुद नए तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का उसका विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो, बाबा तुम्हारा हो जाए, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से। तारकासुर के तीन बेटों का वध कर भगवान पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, केदारनाथ बनकर विराजमान हुए, आगे वर्णन बड़े प्रेम से, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, पशुपतिनाथ के बाद में जो कराया गया है तुमरुका जी ने उसका वर्णन, सोमनाथ प्रथम, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, चंद्रदेव दुखी हो गए, काया रोग, देवऋषि नारद से कहा मेरी काया का रोग है, मैं क्या करूं, कहा जाओ शिव की आराधना करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, काया का रोग मुक्त हुआ, शिवजी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर, शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तब बाबा ने उनको मनाया है और लेकर आया, तब मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान, तृतीय में महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट, कालाधिपति बनकर प्रकट। फिर वर्णन आया है बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं। फिर वर्णन आया भीमा शंकर केदारेश्वर, नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, भीमा शंकर करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान ने करा, इसलिए उनका नाम भीमा शंकर। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट होते। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए शिव प्रकट हो गए। वैद्यनाथ रावण शिव जी को लेकर चला, बाबा नहीं जाते, विराजमान हो जाते हैं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हुए। फिर आया है रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर की स्थापना लंका पर चढ़ाई करने के पहले करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी सुदेहा और भूष्मा, सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई तो भूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी, सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे का विवाह करा, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, गुस्से में आ गई सुदेहा, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तलवार से कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक आई बेटे को। जब तालाब में बेटे को फेंक कर आई, भूष्मा भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, पूजन करती थी, शिव पर विश्वास करती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी, शिव जी से उसने कहा, बाबा मेरे बेटे को देखा मैंने, एक महीना हो गया दिखता नहीं बाबा, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखता, 15 दिन पहले मरा हुआ बेटा, 8 दिन पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से जीवित तैरता हुआ बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजमान। शिव साधारण नहीं है महाराज,
भगवान शंकर साधारण नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जो शिव तत्व में तल्लीन रहता है, उसे फिर दुख नहीं होगा। क्या दुख? और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। तुमड़ुका जी कथा कहते हैं, शिवजी प्रसन्न होकर अपने सिर की बेलपत्र शिवपोथी पर समर्पण करते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुमड़ुका जी से कहा, सुनो तुमड़ुका, कली काल में, कलयुग में जो शंकर भगवान की मेरे द्वारा प्रकट करी हुई ये शिव महापुराण की कथा, ये केवल पुराण नहीं है। शिवजी कहते हैं, ये मेरा एक अंश स्वरूप है। जितने दिन तक शिव पुराण की पोथी जहां रखी होती है, उसका वाचन होता है, उतने दिन तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश छोड़कर उस पुराण के सामने विराजमान रहता हूं, उस पुराण के सम्मुख में विराजमान रहता हूं। इसलिए इस व्यासपीठ का एक नियम आपको हम पहले भी बताए हैं, आरती करते समय या कथा चलते समय हम सामने से किसी को नहीं निकलने देते, क्योंकि मेरा देव अधिदेव महादेव 7 दिन जब कथा चलती है उस समय पर मेरा बाबा वो 3 घंटा उसके सामने विराजमान होकर कथा का रसत्व ग्रहण करता, उसकी साक्षी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव है, कोई दूसरा नहीं है। सब शंकर ही कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं केवल, और कुछ आप उसका स्मरण करें, अपने दिल की बात उससे कहें, भाव से सुने, धारण करें। तुम रुका जी, जो इस पवित्र कथा को सुनता है उसकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करता है। जो शिवालय पकाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, मैं नंदी के साथ शाम तक उसके घर में प्रदोष काल तक पहुंच जाता, ये शिव कह रहा है। प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शंकर के आगमन का समय होता है प्रदोष का। कभी सीहोर जाए, कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी जाए, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले, पर शाम की प्रदोष की आरती, शाम की आरती एक बार जरूर दर्शन करें। और शाम के प्रदोष काल की आरती का लाइव प्रसारण भी होता है रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसे बिठले सेवा समिति पर, आप उसको रोज प्रतिदिन शाम को प्रदोष की आरती 7:45 की प्रदोष काल की आरती का दर्शन, 6:30-7 प्रदोष आरती का दर्शन प्रतिदिन बाबा कुबेर भंडारी का होता है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर उसको लाइव कर और उसको देख सकते हैं, प्रतिदिन देखो, ज्यादा नहीं जा सकते तो 5 दिन उस प्रदोष आरती का प्रतिदिन दर्शन कर। बिटले सेवा समिति के यूट्यूब चैनल को आप उस पर जाकर और उस प्रदोष आरती का दर्शन प्रतिदिन शाम के टाइम करो, उसका दर्शन, उसका आनंद लाभ महाराज।
25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा का लाभ लेंगे। 4 तारीख को एक दिन की कथा मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी 4 मार्च की, और 4 मार्च को ही रात्रि को 8 बजे राजिम कुंभ का शुभारंभ रहेगा छत्तीसगढ़ से। 7 मार्च से 13 मार्च तक सुंदर शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा के उस रुद्राक्ष के शिवलिंग का दर्शन जिसका पूरे भारत में चर्चा रहती है, उसका एक बार दर्शन करने के लिए सीहोर भुवनेश्वर धाम जरूर पधारें। बाबा के उस शिवलिंग का दर्शन करने, उस बाबा के अविरल रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने के लिए, कि ऐसा क्या है सीहोर के रुद्राक्ष में जो कि कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, हाथ पैर में लकवा हो, चाहे कुछ भी हो, उस रुद्राक्ष में सीहोर के क्या है ऐसा कि वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करने से ही रोग समाप्त हो जाता है। दुनिया रिसर्च में लगी है और आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो लोगों ने देख लिया कि वो रुद्राक्ष साधारण नहीं होता, उस रुद्राक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण लोगों की रोग बीमारी ठीक होती है। उस रुद्राक्ष उत्सव में पधारो, बैठ कर कथा सुनो, झोली पसार कर बाबा से निवेदन करो कि पुरुष की जेब खाली ना रहे और माता की गोद खाली ना रहे, उससे प्रार्थना कर कर कथा सुनो। 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन सीहोर पहुंच कर आनंद लो, कुबेरेश्वर धाम की दरा कंकर शंकर पर बैठ कर लाभ। फिर 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी, उसका भी समय आपको बाद में निश्चित कर बता दिया जाएगा। बड़े आनंद के साथ जो श्री ओम प्रकाश जी पांडे, श्रीमती पूनम जी पांडे द्वारा सारे यजमान परिवारों के मिल से आनंद से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है। जब आप यहाँ से जाएंगे आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर, रज को अपने हृदय से लगा कर, बाबा को प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर, उससे विनती कर कर जाना कि इस व्यास पीठ पर अगला पत्र हमारा भी जाए, जब महाराज आए तब एक पत्र हमारा भी हो, ऐसी कृपा करना। बाबा से विनय कर कर आज 7 दिवसीय कथा जो श्री ओम प्रकाश जी पांडे, श्रीमती पूनम जी पांडे सब ने मिलकर इस कथा का लाभ लिया, संपूर्ण प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने, मेडिकल ने, नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ की जितनी पंचायत, सांसद, विधायक, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा को संभालते रहे, खूब अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने दी है, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, एसडीएम, कमिश्नर सब के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा को संभाला, लाखों की भीड़ को इन्होंने संभाल लिया। कई लोग कह रहे थे हमने कुशीनगर में ऐसी भीड़ जिंदगी में पहली बार देखी है, तो ये आनंद जो कुशीनगर वालों ने पाया है ये जीवन का एक आनंद है हमारा, जिसको आप और हमने लिया। आज कथा विराम की ओर जा रही है, बड़े भाव के साथ 5 बार बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा से विनय कर कर विराम की ओर लेंगे। आनंद से आप और हम बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 भोला दुख काटो भर, ओ सब दुख काटो भर, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान ओगड़धानी सभी के ऊपर कृपा बनाए भाव से आनंद से खुशी नगर की आज कथा विराम ले रही है। 1 बजे से 4 बजे तक अपन टीवी पर श्रवण करेंगे। 25 फरवरी से 2 मार्च फिर मिलते हैं आस्था चैनल पर दोपहर में 2 बजे। हरा महादेव साधुवाद बहुत बहुत साधुवाद। हरा आरती प्रारंभ होगी। सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। बाबा से प्रार्थना दिल से आनंद से भाव के साथ नमन करते हुए भाव के साथ प्रार्थना। श्वेताम्बर पीताम्बर पगम्बर के सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे त्रिशूल दरदा भोले चक्र त्रिशूल दरदा जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालने करता ओ हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका ब्रह्मचारी इति उठि दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत